दोस्तों आज अपन बात करेंगे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम के बारे में। तो ये दो तीन टॉपिक्स पे मैं डिस्कस करूंगा, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि एक से अधिक परीक्षा एक दिन में हो तो आपको क्या करना है और कौन सा एग्जाम देना है। बहुत से बच्चों ने एक से ज्यादा आवेदन कर रखे हैं और आपको मौका भी मिल रहा है एक से ज्यादा एग्जाम देने का, बट कई बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है कि उनका एक दिन में ही दो एग्जाम का डेट है। तो उस कंडीशन में हमें कौन सा एग्जाम देना चाहिए, कौन सा एग्जाम छोड़ना चाहिए, इसके लिए मैं आपको सिर्फ सजेशन दे सकता हूँ, सिर्फ आपको एक राय दे सकता हूँ, एक आइडिया दे सकता हूँ, उसके बाद में डिसाइड आपको खुद को करना है। इसके अलावा सबसे कम मेरिट कौन से जिले की रहती है ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन से जिले की मेरिट है वो और जिलों से कम रहने की संभावना होती है। और उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे कि आखिरी दिनों में आपको एग्जाम की तैयारी की क्या रणनीति होनी चाहिए। तो इन तीनों टॉपिक्स पे हम डिस्कस करेंगे। जो बच्चे पहली बार चैनल पे हैं, जो बच्चे मुझे पहली बार सुन रहे हैं, वो राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल का अपना सपना पूरा करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जो मेरे नियमित स्टूडेंट हैं वो वीडियो को पूरा देखिए जिससे उनको पूरा फायदा इसका मिल सके। तो सबसे पहले अपन लेते हैं कि एक से ज्यादा परीक्षा अगर एक दिन में है तो आपको क्या करना है, कौन सा एग्जाम देना है। तो देखिए, एक चीज तो आप ये समझ लीजिए अच्छे से कि आपने ज्यादा फॉर्म भर रखे हैं, ज्यादा जगह से एग्जाम देंगे, अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो ही उसका फायदा मिलेगा। अगर आपने तैयारी अच्छी नहीं की है, किसी भी कारण से आप अपने आप को एग्जाम के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं मान रहे हैं, तो फिर चाहे एक से ज्यादा कितनी भी जगह आप एग्जाम दें तो भी वहां सिलेक्शन के चांस नहीं होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि एक से ज्यादा एग्जाम देंगे तो आप कोई जादू हो जाएगा, कोई कहीं ना कहीं तो पास हो ही जाएंगे। वो समय दोस्तों अब निकल चुका है। अब हर जगह वैकेंसी के कई गुना बच्चे एग्जाम में बैठते हैं और वो बहुत अच्छी तैयारी किए हुए होते हैं, फिर भी अगर दो एग्जाम आपका एक साथ एक दिन में हो रहे हैं तो ये बात आपको खुद को ही डिसाइड करनी पड़ेगी कि मुझे कौन सा एग्जाम देना है और कौन सा एग्जाम छोड़ना है। ये अगले वाला पॉइंट जब मैं आपको थोड़ा सा समझा दूंगा तो खुद आप डिसाइड कर पाएंगे कि मुझे कौन सा देना है और कौन सा छोड़ना है। इसमें जो वैकेंसी है वो चार पांच अलग अलग डिपार्टमेंट्स में है, जिसमें टेलीकम्युनिकेशन के अंदर है, आईबी के अंदर है, आरएसी के अंदर है और सिविल पुलिस कांस्टेबल्स हैं। तो इस तरह से जो चार पांच पोस्ट है अलग अलग तरह की हैं, इनकी मेरिट भी अलग अलग रहने की संभावना होती है। हर जगह की मेरिट अलग अलग होती है और वैसे ही बैठने वालों की संख्या भी इसी तरह से होती है। किसी भी जगह जितने बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया है तो उस संख्या से हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि कहां कितने बच्चे कौन सी एग्जाम में बैठेंगे, क्योंकि एक से ज्यादा एग्जाम होगा तो वो कौन सी जगह जाएगा किसी को पता नहीं है। तो ये भी अंदाजा लगाना थोड़ा सा मुश्किल है कि कहां कितने बच्चे लास्ट एग्जाम में बैठने वाले हैं, और कम बैठने के बाद में भी मेरिट ज्यादा रह सकती है और ज्यादा बैठने के बाद में भी कम रह सकती है, क्योंकि कौन से बच्चे हैं जो अच्छी तैयारी वाले किस जगह चले जाएंगे, कमजोर तैयारी वाले कहां चले जाएंगे, तो ये कोई अंदाजा पहले नहीं लगता है। बस ये है कि कॉमन सेंस, और कई बार हमें बाद में जो पछतावा होता है ना, बाद में एक पछतावा होता है कि मैं अगर वहां से एग्जाम देता तो शायद मेरा सिलेक्शन हो जाता, तो ऐसा पछतावा करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पहले किसी को भी पता नहीं चलता है कि आपको कहां से एग्जाम देना चाहिए और कहां आपको छोड़ना चाहिए। तो ये सबसे कम मेरिट कौन से जिले की रहती है ये मैं आपको थोड़ा सा एक बार अंदाजा दे देता हूं, जिससे कि आप डिसाइड कर सको कि मुझे कौन सा एग्जाम देना चाहिए। तो सबसे कम जो मेरिट के जो चांस होते हैं ना, वो आरएसी बटालियंस के सबसे कम होते हैं। सबसे कम आरएसी बटालियंस की जो मेरिट है वो कम रहने की संभावना होती है, क्योंकि इसमें फॉर्म भी कम भरे होते हैं और एग्जाम भी बच्चे कम देना पसंद करते हैं। तो ये है सबसे कम मेरिट, अगर आपने किसी भी बटालियन से अगर फॉर्म भर रखा है, चाहे दिल्ली की बटालियन है, चाहे जयपुर वाली कोई सी भी बटालियन है, तो उनमें से आपको बटालियन को च्वाइस करना ज्यादा बेहतर है। इसके बाद यहां से बाद में फिर उन जिलों की मेरिट कम रहती है जो छोटे जिले हैं, जिसमें छोटे छोटे जिले। अब एक बार और एक बात मैं आपको और बीच में बता दूं कि पिछली बार बच्चों में बड़ा कंफ्यूजन रहा, छह पारियों में जो एग्जाम हुआ उसकी वजह से कई जगह कम रही मेरिट, कई जगह ज्यादा रही, और बच्चे बहुत परेशान रहे कि मैं अगर उस जिले से देता तो मेरा हो सकता था, यहां मेरिट ज्यादा रही है, यहां कम रही है। तो उसके पीछे रीजन दूसरा था, उसके पीछे कम मेरिट रहने का रीजन नहीं होता है, उसके पीछे रीजन दूसरा था कि अलग अलग पारी में पेपर का लेवल अलग अलग था, और सेम इसी तरह का इस बार भी होने वाला है। इस बार भी अलग अलग पारी का अलग अलग पेपर होगा,
तो उसमें फिर से पेपर का लेवल कम ज्यादा हो सकता है, तो उसकी वजह से भी आपकी मेरिट कम ज्यादा हो सकती है। फिर भी एक अंदाजा सिर्फ बता रहा हूं कि छोटे जिले जो होते हैं वहां भी बच्चे कम एग्जाम देने के लिए जाते हैं और कम बच्चे फॉर्म अप्लाई करते हैं, या ये मान सकते हैं हम कि जहां वैकेंसियां कम नॉर्मल होती हैं, जो बिल्कुल कम होती हैं वहां भी मेरिट ज्यादा रहती है, बहुत ज्यादा होती है वहां भी लोग ज्यादा चले जाते हैं, लेकिन जहां एवरेज वैकेंसी होती है और जो छोटे जिले होते हैं। उसके बाद में फिर अपन इससे ऊपर चलेंगे तो बड़े जिलों की बात पे आएंगे अपन, बड़े जिले, तो बड़े जिलों के अंदर भी मेरिट इससे ज्यादा रहती है, और उससे भी बड़ी ऊपर अगर हम बात करें तो उसमें फिर कमिश्नरेट वाले दोनों जिले, तो ये भी इस क्रम से मेरिट रहने की संभावना होती है। कमिश्नरेट वाली दोनों जगह है, जयपुर और जो जोधपुर है, उसकी मेरिट भी इससे इनसे ज्यादा रहती है, और उसके बाद में फिर जो आईबी और टेलीकम्युनिकेशन बचता है वो इससे भी ज्यादा रहने की संभावना रहती है। तो इस तरह से ये एक क्रम रहता है, लगभग इस क्रम में ही मेरिट रहने की संभावना रहती है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपका कौन-कौन से जिले में आपका सेम डे फॉर्म आ रहा है, अगर आपका यहां कमिश्नरेट में और अगर आरएसी बटालियन में अगर क्रॉस हो रहा है दोनों में से, तो आपको इसको चॉइस करना चाहिए, आपको आरएसी वाला एग्जाम आपको देना चाहिए। अगर आपका बड़े जिले और छोटे जिले में अगर एक साथ एग्जाम है तो आपको छोटे जिले वाले को प्राथमिकता देनी चाहिए। अब ये डिसाइड आपको खुद को करना पड़ेगा कि मुझे कौन से जिले से एग्जाम देना है और कौन से को मुझे छोड़ना है। और एक चीज मैं आपको ये और बता दूं, पहले भी मैं बता चुका हूं कि ज्यादा जगह से एग्जाम देना कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं होती है कि मैं 5 जगह से एग्जाम दूं या 6 जगह से एग्जाम दूं, अगर आप 2 जगह भी दे देते हो तो बहुत है, और ज्यादा मौका मिल रहा है तो दे भी सकते हो, बट उसके लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि मेरा मौका नहीं मिला तो अब मेरा क्या होगा, औरों को मिल गया, औरों को मिल गया तो लास्ट में मेरिट तो वहीं आके बनती है, वो इन्हीं बच्चों का सिर्फ सिलेक्शन होता है जिनकी तैयारी बहुत अच्छी होती है। तो इस तरह से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि किस तरह से मेरिट का क्रम रहता है अब तक का जो आइडिया है, और इसमें थोड़ा बहुत ही अंतर आता है, ज्यादा अंतर नहीं आता है। इसके बाद में आखिरी दिनों की आपकी जो रणनीति है ये क्या होनी चाहिए, तो आखिरी दिनों के अंदर देखिए अलग अलग पास होना जरूरी नहीं है, टोटल 150 क्वेश्चन होंगे, अब हमें कहां ज्यादा टाइम देना चाहिए जिससे कि हम ज्यादा स्कोर कर सके। तो 3 पार्ट में सलाह दूंगा आपको जिन पे आपको ज्यादा ध्यान देना है, उसमें सबसे पहली चीज तो करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स में आपको आखिरी जो टाइम बचता है इसमें करंट अफेयर्स में, कल भी मैंने एक वीडियो में बताया था कि लास्ट के जो 3-4 महीने हैं उनका करंट अफेयर्स आप अच्छे से देख लीजिए, जिसमें अप्रैल का सबसे ज्यादा, मार्च का उससे कम, फरवरी को उससे कम और जनवरी को उससे कम, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, अगर ये 4 महीने के करंट को अगर आप अच्छे से देख लेंगे तो इसमें से जो क्वेश्चन आएंगे 80-90% आप आराम से कर सकते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर वाला पार्ट, 30 क्वेश्चन पिछली बार कंप्यूटर के पूछे गए हैं लगभग हर एक पारी के अंदर, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो लास्ट के दिनों में कंप्यूटर को थोड़ा सा ज्यादा टाइम दीजिए, जहां से हमें कम मेहनत में ज्यादा क्वेश्चन हम सही कर सकते हैं। और पढ़ने के अलग अलग तरीके मैंने कई बार कई वीडियोस में बता रखे हैं कि कंप्यूटर को प्रैक्टिकल करके पढ़ सकते हो आप, कोई दूसरा जो कंप्यूटर के बारे में अच्छी जानकारी रख सकता है उससे डिस्कशन कर सकते हो, ग्रुप बना के डिस्कशन कर सकते हो, जिससे कि कंप्यूटर में आपके ज्यादा क्वेश्चन सही हो सकते हैं। और तीसरा जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है बाल एवं महिला अपराध, जिसमें से 10 क्वेश्चन आएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रीजनिंग सारे बच्चे ही कर लेते हैं लगभग, जीके के अंदर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, जिसकी बहुत अच्छी तैयारी है वो तो एक अलग बात है, बाकी अब आप चाहो कि मैं 5-6 दिन के अंदर जीके की सारी किताबें पलट दूं तो उससे मैं ज्यादा अच्छा पेपर कर पाऊंगा, नहीं, उससे अब ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जीके का इतना बड़ा सिलेबस है उसमें कहां से पेपर आएगा कोई पता भी नहीं चलता है क्वेश्चंस का, तो उसमें जो तैयारी हो चुकी है हो गई अब तक, अब उस पे आप ज्यादा टाइम नहीं देके, ज्यादा टाइम इन 3 ही पार्ट में आपको देना है, जिससे कि आप और 5-10 नंबर एक्स्ट्रा ले सकते हैं औरों से लास्ट के दिनों में। और आखिरी दिनों में दोस्तों सबसे बड़ा जो काम करने वाला जो पॉइंट होता है ना वो है आपका कॉन्फिडेंस, अपनी तैयारी के ऊपर पूरा विश्वास रखिए, लास्ट के दिनों में आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, कंपटीशन एग्जाम है, सबकी हालत वही होती है जैसी आपकी है, सबको उतना ही डर लग रहा है जितना आपको लग रहा है, तो ऐसी स्थिति में अपने आप पर विश्वास रखना है कि मेरी तैयारी अच्छी हुई है, मेरा पेपर अच्छा होगा तो होगा ही होगा, कुछ भी ऐसा बाहर से नहीं आने वाला है कि जो पता नहीं कहां से पेपर आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, जो सिलेबस दिया हुआ है, जो टॉपिक्स आपको दिए हुए हैं उन्हीं में से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और वो सब के लिए एक जैसा ही होगा,
बहुत से बच्चे हैं जो पेपर देख के घबरा जाते हैं। कंपटीशन एग्जाम में कोई मायने नहीं रखता है, पेपर चाहे कैसा भी आए, हार्ड आता है तो सबके लिए हार्ड होता है, सरल आता है तो सबके लिए सरल होता है। सरल से खुश नहीं होना है, हार्ड पेपर आता है तो परेशान नहीं होना है, उतनी कट ऑफ कम रह जाती है। ये कंपटीशन एग्जाम है तो अपनी तैयारी पे विश्वास रखिए, अपने आप पे विश्वास रखिए और अपने गाइडेंस पे विश्वास रखिए। अगर आपने अच्छे गाइडेंस में तैयारी की है, अच्छी बुक्स का आपने चुनाव किया है, तो आप आराम से फाइनल तक जाएंगे, टेंशन मत लीजिए। संख्या का कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लाखों में बच्चे बैठ रहे हैं, बैठने दो। और अब आखिरी के दिनों में आप अपने आप को, जिस तरह से मैंने आपको बताया है कौन से टॉपिक्स हैं, कौन से पार्ट्स हैं जिन पे ज्यादा जोर देने की जरूरत है, उन पे ध्यान दीजिए तो आप और अच्छा कर पाएंगे। बेस्ट ऑफ लक सबको। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद। रिम डिफेंस एकेडमी की अनुभवी टीम के साथ अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से रिम डिफेंस एकेडमी ऐप।